तो आज पार्वती माता जिद करेगी, नहीं बाबा आप मुझे अमर कथा सुनाओ। तो भोले भगवान ने कहा कि देखो पार्वती, हम तुम्हें अमर कथा सुना तो देंगे, परंतु ऐसे नहीं। अरे शर्त एक होगी, क्या? कि तुम सो मत जाना। भक्तों भगवत कथा में नींद बहुत जल्दी आती है, क्योंकि भगवत कथा फूलों की सेज होती है। और हमारे अमित परीक्षित जी महाराज 51 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज की बांके बिहारी की श्री राधे रानी की कृपा बनी रहे भैया पर। तो भोले भगवान ने कहा कि देखो पार्वती, तुम सो मत जाना, भगवत कथा में भक्तों नींद बहुत जल्दी आती है, क्योंकि कथा फूलों की सेज होती है, इसलिए नींद एक जगह नहीं आती है, डोला नौटंकी में नींद नहीं आती है, हैं? और कथा में भैया बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो यही तो भोले भगवान कह रहे हैं, पार्वती मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, पर तुम सो मत जाना, तुम हुंकार भरती रहना। पार्वती बोली, बाबा चिंता न करो, हुंकार तुम भरती रहेंगे, सोएंगे बिल्कुल नहीं। बाबा ने अपने हाथ में डमरू लिया, जंगल में आए, बाबा ने दोनों हाथों से डमरू पकड़ लिया और क्रोध में आकर जो बाबा ने डमरू बजाया, डब 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 किया, तो उस जंगल के सारे पशु पक्षी भाग गए, जंगल बिल्कुल खाली हो गया, बड़ा घना जंगल। भोले भगवान ने उन पशु पक्षियों के इसलिए भगाया कि पार्वती के अतिरिक्त तो इस अमर कथा को कोई और ना सुन ले। भक्तों बाबा वृक्ष के नीचे बैठे, मैया भी वृक्ष के नीचे बैठ गईं और भोले बाबा अमर कथा को सुना रहे हैं। तो माता पार्वती सुनने लगी, लेकिन भक्तों जिस वृक्ष के नीचे बैठे बाबा कथा सुना रहे हैं, उसी वृक्ष की डाल पर खोखले में तोते के अंडे रखे हुए हैं। अब तो अमर कथा के प्रभाव से अंडे से तोता निकल आया, और अब वो तोता भी चोरी छुपे अमर कथा को सुनने लगा। और अमर कथा सुनते सुनते मैया पार्वती को नींद आ गई और हुंकार भरनी बंद हो गई। तोते ने देखा मैया तो सो गई, अब हुंकार कौन भरेगा, तो पार्वती की जगह पर अब तोता हुंकार भरने लगा। पार्वती बोली भोले से, कथा सुनाई दे मोए, भोले बाबा कथा सुनाबे, पार्वती गई सोए, ओ माँ के पड़ गए सोता, हो करा दे रो तोता,
भगवान अमर कथा सुना रहे हैं और माता पार्वती सो रही हैं, तोता हुंकार भर रहा है।